एवरीवन वेलकम बैक। आज है थर्सडे एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज अभी आफ्टरनून टाइम है, आफ्टरनून नहीं बोलूँगी, अभी 4:30 हुआ है, इवनिंग टाइम हो गया है। और अभी मैं और गोविंद जा रहे हैं स्विमिंग पूल, इंडोर स्विमिंग पूल हमारे कम्युनिटी में है, तो मैं गोविंद को लेकर वहाँ जा रही हूँ क्योंकि सारी मॉमीज़ अपने बच्चों को वहाँ लेकर आई हैं। लाइक मेरे सारे फ्रेंड्स अपने बच्चों को वहाँ लेकर आए हैं, तो हम भी जा रहे हैं। हम लोग थोड़ा लेट हो गए, 4:00 जाना था बट गोविंद सो रहा था तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं। आर यू एक्साइटेड? और अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं कहाँ जंगल में आ गई हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ, हमारे अपार्टमेंट में लेक है जिसके अराउंड ट्रैक बनाया हुआ है और लोग वहाँ पे जॉग करते हैं, वॉक करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है, चारों तरफ ग्रीनरी है। वेलकम बैक। आज फ्राइडे है, इट्स मॉर्निंग टाइम, अभी करीब 6 बजा है और मैं बाहर आई थी वॉक करने। एक्चुअली मैं कल का व्लॉग कल रात में कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि हमें ना पूल से लौटते लौटते बहुत लेट हो गया था, हम अराउंड 7:45 लौटे हैं और उसके बाद बहुत टायरिंग लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको कल कंटिन्यू करूँगी। और आज फिर हम कल बहुत जल्दी सो गए थे, आई थिंक आई स्लेप्ट बाय 9, और फिर आज मैं जल्दी उठी, आज मेरी मॉर्निंग 5 बजे ही हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो अभी अंशुल हैं घर पे तो मैं बाहर वॉक करने चले जाती हूँ। और बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, हल्की सी हवा चल रही थी और ठंडा ठंडा तो यहाँ रहता ही है, तो बहुत अच्छा लगता है बाहर वॉक करके आने में। तो अभी चलते हैं घर और वही अपना नॉर्मल रूटीन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के घर में वीकडेज़ में क्या क्या ब्रेकफास्ट बनता है, क्या क्या प्रेफर करते हैं आपके घर वाले, मेरे साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। मेरे घर में वीकडेज़ में बिल्कुल बेसिक ब्रेकफास्ट बनता है, अक्सर तो मैं एग बनाती हूँ बट कभी कभी जैसे आज का दिन है तो मेरा चीला खाने का बहुत मन कर रहा है, तो मैंने सोचा चलो सभी के लिए चीला बना लेती हूँ। एंड स्पेसिफिकली गोविंद तो बिल्कुल ब्रेकफास्ट में कुछ भी खाना पसंद नहीं करता, उसको शेक्स ही पसंद है, तो उसके लिए मैं बनाना शेक ही बनाऊँगी। आज मेरे हबी के लंच बॉक्स में जाएगा पनीर काठी रोल। ये काठी रोल की फिलिंग कल उन्होंने ही बनाई थी जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। अंशुल अभी निकल चुके हैं और इस वीकेंड अंशुल काम कर रहे हैं, ऑफिस जाएंगे वो सैटरडे को, क्योंकि नेक्स्ट वीकेंड जो है वो लॉन्ग वीकेंड है, तो थर्सडे की छुट्टी है बिकॉज ऑफ द 4th फ्राइडे एंड ही इज थिंकिंग कि वो फ्राइडे को ऑफ ले लेंगे बाय वर्किंग दिस सैटरडे, तो उनका पूरा एक 4 डेज का कंटिन्यूअस लॉन्ग ब्रेक हो जाएगा, दैट इज़ अ गुड थिंग। बट ये वीक थोड़ा सा हेक्टिक हो गया क्योंकि ऑल 6 डेज ही इज़ वर्किंग, तो हेक्टिक मेरे लिए भी है, हेक्टिक उनके लिए भी है और हम लोगों को एज अ फैमिली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा इस वीकेंड स्पेंड करने के लिए। और यस, मैं आपको ये दिखाना चाहती थी, ये मैंने कल बनाई है पेंटिंग, मैं आपको क्लोजअप व्यू देती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि ये कैसी लग रही है।
मैंने ये पेंटिंग जस्ट 1 आवर में बनाई है, कल मॉर्निंग में बनाई थी। अंशुल जब ऑफिस निकले थे 7 o'clock, मैंने उस टाइम पे स्टार्ट किया था एंड बाय 8 आई फिनिश दिस, और बहुत ब्यूटीफुल टर्न आउट हुई है ये। मैं इसका रूम क्लीन कर रही थी और ये उठ के मेरे पास डायरेक्ट भाग के आया बाहर पैटियो में जुगनू देखने। कल रात में ना वो एक्चुअली जो लाइट वाले बग्स होते हैं ना, जिन्हें हम जुगनू बोलते हैं हिंदी में, मुझे नहीं पता उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो बहुत थे बाहर। तो हम लोग इसे दिखा रहे थे एंड बहुत एक्साइटिंग लग रहा था इसको। वो ऐसे 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 करके फ्लाई करते हैं और उनमें से येलोइश ग्रीनिश लाइट आती है जो कि देखने में बहुत अच्छी लगती है। गोविंद बताओ, जुगनू कैसे फ्लाई करता है और लाइट कैसे होती है जुगनू की? ऐसे ऐसे होती है। डू यू लाइक जुगनू? देखेगा गोविंद, आज नाइट में आएंगे बेटा। सो नाउ इट्स ब्रेकफास्ट टाइम, चीला मेरे लिए और बनाना शेक गोविंद के लिए। गोविंद बनाना शेक पिएगा? यस। डू यू लाइक बनाना शेक? से हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एंड टेल, हाउ मच डिड यू एंजॉय यस्टरडे इन द पूल? How much? बहुत सारा। अभी यहाँ पे भी थोड़ा गर्म हो गया है, घर का टेम्परेचर 77 है। बाहर 2 मॉर्निंग में ठीक रहता है, बट धूप निकलने के बाद थोड़ा सा गर्म लगता है। तो मैं आज एसी ऑन करने जा रही हूँ फाइनली घर का। रात को तो हम ऑन करते हैं बट डे टाइम में ऑन नहीं करती थी। 72 पे मैं सेट कर रही हूँ। और अभी इंडिया में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। दिल्ली में तो 45-47 डिग्रीज टेम्परेचर पहुँच गया है, जहाँ पे रहना भी मुश्किल हो रहा है इतनी गर्मी में। आई कैन इमेजिन, एक्चुअली हम लोग भी ऐसा ही टेम्परेचर देखते थे ट्यूसॉन में। अभी गोविंद की मसाज हो रही है। ये लोग बच्चे लोग ना इतनी ज्यादा मस्ती करते हैं कि इतना ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं और फिर घर आके ये लोग रोना शुरू कर देते हैं कि पैर में मसाज करो। तो कल इसके डैडी ने इसकी बहुत सारी मसाज की थी रात को और अभी मैं कर रही हूँ। लिटरली कोई बच्चा रेडी नहीं हो रहा था पूल में से निकलने के लिए, जबरदस्ती हम लोगों को निकालना पड़ा। लाइक इतना हम सारी मम्मियाँ इतना ज्यादा टायर्ड हो गए थे, बट बच्चों की एनर्जी ना तब डाउन होना शुरू होती है जब आप घर एंटर करते हो। माइन्यूट डिटेलिंग स्टार्ट हो गई है। लाइक जो थोड़ा थोड़ा सामान था जो मैंने अभी तक अनपैक नहीं किया, आजकल वो कर रही हूँ मैं। और सबसे पहले मैंने गोविंद का सूटकेस खोला है क्योंकि उसके थोड़े से गर्म थोड़े से ठंडे सारे कपड़े मैंने मिक्स करके सूटकेस में भेजे थे, वही आज मैं निकालूंगी उसके सारे। अभी हम लोग शावर वगैरह लेके बाहर आए हैं फ्रूट्स खाने। बहुत ब्यूटीफुल मौसम हो रखा है, तो मैंने गोविंद के लिए लाई हूँ थोड़ा सा मैंगो और बनाना, और मैं अपने फ्रूट्स लाना भूल गई। एज ऑलवेज मम्मी की ड्यूटी होती है ना कि बच्चों का सारा सामान आ जाए, तो उसका पानी उसके फ्रूट सब कुछ आ गए और उसकी बॉल भी आ गई, बट मेरे फ्रूट्स घर में रह गए। बट एनीवेज, तो बस अभी हम लोग फ्रूट्स खाएंगे थोड़े से और हवा चल रही है, मॉइस्ट मौसम लग रहा है जो कि मुझे बहुत पसंद है और मेरी स्किन को आई गेस काफ़ी अच्छा लगता है वो मौसम, जिससे कि मुझे एक्जिमा नहीं होता जैसा अपना इंडिया में होता है, वैसा मौसम है। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और होप करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है, उसको भी ज़रूर हिट करिएगा, जिससे कि आपको फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय। यू ऑल्सो से बाय बाय। आपका हैंड नहीं दिख रहा।
से बाय बाय।